इमामगंज अनुमंडल पुलिस एवं थाना अध्यक्ष के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव जाकर एक अपराधी को लोडेड देसी कट्टा, गोली एवं 4 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। क्या पूरा मामला है सर? माइग्रा थाना चंद्री में कल बीते रात को एक हाइब्रिड रोलर को जला दिया गया था और साथ में पोस्टर भी चिपका दिया गया जिसमें भारत नवनिर्माण सेना का द्वारा जो मुखिया है बाबा के द्वारा इसकी जिम्मेवारी दी गई थी। इसके तहत कार्रवाई किया गया जिसमें मुखिया बाबा को गिरफ्तार किया गया है। लॉकडाउन के कारण बालू घाटों की रुकी बंदोबस्ती जल्द ही शुरू होगी। पटना, भोजपुर समेत अन्य जिलों में घाटों की बंदोबस्ती मई में ही पूरी करने की तैयारी जोर शोर से है। बड़ा हादसा टला आरा, भोजपुर में आमने सामने से भिड़े दो ट्रक, एक ड्राइवर बुरी तरह से घायल। पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र का विक्रम नौबतपुर मार्ग NH-139 हाईवे के विक्रम थाना क्षेत्र के गोरखरी गांव के पास एक लाइन होटल बिना अनुमति के, या यो कहें कि सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, सरकार ने तो हाईवे पर 15 किलोमीटर के अंतराल पर होटल को खोलने का आदेश दिया हुआ है, लेकिन विक्रम थाना क्षेत्र में एक लाइन होटल के साथ साथ कई होटल चल रहे हैं। यो कहें तो अनुमंडल प्रशासन भी मूक दर्शक बनी हुई है। वहीं जब इसकी जांच करने मीडिया के लोग उस लाइन होटल पर पहुंचे तो होटल के पास कोई सरकारी आदेश भी नहीं था और ना ही उनके पास लाइन होटल का कोई सरकारी पेपर था। इसके बाद होटल के मालिक मीडिया से बदतमीजी करने लगे, यहां तक कि मीडिया को मारने की धमकी भी दे डाली। रोहतास जिले में सीमाओं को सील करने की लाख कवायद के बाद भी अन्य प्रांतों से बिना किसी रोक टोक के श्रमिकों का आना जाना जारी है। सासाराम के जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव पाए गए 12 मरीज ठीक होकर अपने अपने घर चले गए। सासाराम में रास्ते की विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। वहीं इस मामले में 8 लोगों पर नामजद केस दर्ज किया गया है। बीते दिन पटना में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल, स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह एवं पुलिस मुख्यालय से ईडीजी जितेंद्र कुमार ने मीडिया कर्मियों को कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से उत्पन्न हालात के बाद सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। विजय सिन्हा कमांडेंट ने कहा कि 9वीं वाहिनी NDRF के क्रमिक बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशासन और मेडिकल टीमों के साथ मिलकर कोरोना वायरस संक्रमण की कड़ी को तोड़ने में लगातार मुस्तैदी से जुटे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। उन्होंने ट्वीट के जरिए कांग्रेस और राजद पर हमला किया है। सुशील मोदी ने कहा कि कांग्रेस व राजद के लिए कल्याणकारी कार्यों में खोट निकालना ही जनसेवा है। दिल्ली सरकार द्वारा बिहारी अप्रवासियों का रेल किराया देने के संदर्भ में माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान, जो सरकार है अतिक्रमण में उखाड़ फेंकने का काम करता है। यही जब लालू जी थे, आदरणीय पिताजी जब थे, तो सारे गरीब सीधा करो उसको, दूरी बना के, अरे लड़का उल्टा पकड़ा है। Gracias.